नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके नाम सबके मतलब मन में होगा ही होगा, क्योंकि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरी बात, स्टील इंडस्ट्रीज में कंपनी के नाम टॉप 3 रैंकिंग में आते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा जिसका नाम है एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब SAIL, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में आज इसी के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि बहुत दोस्तों ने मुझे कमेंट किया एक बात के ऊपर, जो बात मुझे आपके साथ शेयर करना है ऑब्वियसली, क्योंकि वो बात बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, तो चलो उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया नया चीज के बारे में जानकारी आपके सामने में जरूर लेके आऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, और आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके आपको डेली इंट्राडे कॉल का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम सेल है, आप सभी जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, स्टील इंडस्ट्रीज में नंबर 1 आप सभी जानते हैं कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा नंबर नंबर 1 एंड नंबर 2 में कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी जो है एक्चुअली स्टील इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है, फिर भी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। तो आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने जो कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर राकेश जी ने पूरा के पूरा माल यहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा नहीं, बहुत सारे स्टेक इन्होंने बेचा है। तो सेल के ऊपर उन्होंने जो स्टेक बेचा है, क्या मुझे भी यहाँ पे बेचना चाहिए? क्या इस टाइम मुझे भी खरीदना चाहिए? क्या इतने बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी से निकल जा रहे हैं? क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगा? तो चलो आज उसी के ऊपर बात करने के लिए इस टॉपिक के ऊपर आया हूँ। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पिछले बार एक रिपोर्ट आया था, ऑब्वियसली पहली रिपोर्ट है अप्रैल 2022, तो अप्रैल मंथ का रिपोर्ट है। तब इसके ऊपर मैं आपको बताया था कि राकेश जी ने इसके ऊपर जो हिस्सेदारी थे उन्होंने उसका स्टेक कम कर दिया है। तो इस रिपोर्ट को कहाँ पे देखने को मिला था? फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं। आप देखिए, राकेश झुंझुनवाला कट स्टेक इन सेल, स्टेक फॉल बिलो 1%, मतलब उन्होंने जो स्टेक सेल किया था उसके कारण 1% शेयर गिर गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, 1% गिरना उतना मतलब प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर भी पीएसयू स्टॉक, देखिए पीएसयू क्यों, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू स्टॉक सोअर 24% इन लेस देन 2 मंथ्स, मतलब कंपनी स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरते गए। इसके पीछे रीजन है, जितने सारे बड़े इन्वेस्टर हैं उनमें से राकेश झुंझुनवाला जी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो उन्होंने भी इस कंपनी का स्टेक बेचे थे। क्योंकि देखिए, उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट किए थे तो उन्होंने एक चीज कमेंटमेंट किया था कि स्टील इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत शानदार ग्रोथ करने वाला है। आप खुद ही देख सकते हैं, उन्होंने अब उस स्टेक का बेच रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको अभी पता चल गया स्टील इंडस्ट्रीज बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस में चलने वाला है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्रीज उतना ग्रोथ नहीं करने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जितना प्रेशर है, साथ ही साथ आप सभी जानते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, मतलब अमेरिकन बाजार में इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाना, तो ये एक स्टील इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। जब ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले क्रूड ऑयल का, उसके बाद स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। इसीलिए शायद राकेश झुंझुनवाला यहाँ से थोड़ा सा माल बेचा है, पूरा का पूरा माल नहीं बेचा है, उन्होंने स्टेक कुछ कम किया है। आप देख सकते हैं उन्होंने जो यहाँ पे स्टेक कम किया, पहले कितना था, 1.76% का स्टेक था, अराउंड अराउंड 7.25 करोड़ इक्विटी शेयर उसके पास थे, तो उन्होंने स्टेक बेच के 1.09% बना दिया था। फिर भी आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो अप्रैल मंथ का डेटा था, अभी इस बार मतलब यहाँ पे जुलाई मंथ का जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो इस जो 1.09% का जो मतलब इन्वेस्टमेंट था उससे भी कम हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, किसी इन्वेस्टर ने अगर 1% से कम इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब 1% से कम इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसका नाम यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो चलो मैं उसके ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप स्टील के ऊपर में इन्वेस्टर के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पास कितना, पहले 75% होल्डिंग था, अभी कितना बन चुके हैं, 65% होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर होल्डिंग रखे है, FIs भी, देखिए FIs भी है, DIs भी है, तो अच्छी बात है।
उसके साथ पब्लिक के नाम देखेंगे तो सिर्फ एक ही नाम आपके सामने आएगा, वो है राकेश झुनझुनवाला। अब देखेंगे तो राकेश झुनझुनवाला जी ने कब इन्वेस्ट किया था, तो ज्यादा से ज्यादा स्टेक उन्होंने खरीदारी किए थे जून 2021 में। तब मैं आपको वीडियो बना के दिया था, तब आपको मैं बताया था कि 1.39% का स्टेक उन्होंने खरीदारी किए है। उसके बाद देखिए सितंबर माह में और भी स्टेक बढ़ा दिया था, 1.76 बन चुके थे, और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में खत्म होने के बाद उन्होंने स्टेक को बेचा था, 1.09% का स्टेक उन्होंने लास्ट में हुआ था। अभी मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का स्टेक यहाँ पे हाइड हो चुके हैं, मतलब स्टेक यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब सोचिए कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मतलब कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए थे तो उसका परसेंटेज 1% के नीचे आ चुके हैं, मतलब उनका स्टेक 1% से नीचे आ चुके हैं, तो इसी के कारण यहाँ पे स्टॉक नहीं दिखा रहा है। तो एक्चुअली इस स्टॉक ना दिखाने के कारण बेसिस से ही बहुत सारे लोग घबरा गया, क्योंकि लोग राकेश जी को फॉलो करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट देखकर ही लोग निवेश कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ पे कहने वाला हूँ, किसी बड़े प्लेयर का जो स्टॉक में निवेश कर रहा है उसको जरूर फॉलो करिए। मैं ये नहीं कहूँगा फॉलो मत करिए, फॉलो तो जरूर करिए, मगर फॉलो करके इसका मतलब ये नहीं कि फॉलो करने के बाद उस कंपनी के ऊपर आप धड़ाधड़ बाइंग कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। देखिए उन्होंने हमेशा इंटरव्यू के माध्यम से ये बताया कि मैं जो रिसर्च करता हूँ वो बहुत बार मैं रिसर्च में फेल भी हुआ हूँ, बहुत कंपनी के ऊपर मुझे लॉस भी हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी मुझे प्रॉफिट देगा और हर कंपनी से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर हर कंपनी प्रॉफिट देते तो मैं तो वॉरेन बफेट जी को भी पीछे मतलब पीछे लेके जाकर मैं नंबर वन हो जाता, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर उसका इन्वेस्टमेंट है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी उसको लॉसेस दे रहा है, कुछ कंपनी उसको प्रॉफिट दे रहा है, और वो कंपनी इतना गुना प्रॉफिट दे रहा है जो इस लॉसेस को रिकवरी करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिला है। तो आपको इस तरीके से सोचना है, इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो देखकर कभी भी मत निवेश करिए। हाँ, उसका पोर्टफोलियो देखिए, उसमें कौन सा कंपनी बेस्ट उन्होंने चूज करके रखा जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करिए, पहले रिसर्च करिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। देखिए मैं एक चीज हमेशा करता हूँ, जितने सारे बड़े इन्वेस्टर है वो कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं वो मैं बार बार देखता हूँ, उसका पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक उन्होंने बेचा, कौन सा स्टॉक खरीदारी किए मैं बार बार देखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने जिस कंपनी के ऊपर खरीदारी की है उसके ऊपर मैं बाय कर लेता हूँ, मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, क्यों खरीदारी किए है उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मैं उस कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ। तो आप भी उस तरीके से सोचिए, तभी आपको पोर्टफोलियो हमेशा सिक्योर रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेल मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है वो कोई खराब कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी तगड़ा कंपनी है। आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कंपनी ने लॉसेस में लेके गया था, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। कंपनी दो पॉइंट्स मुझे मतलब इस कंपनी के वीक लगा, वो है कंपनी पहली बात गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरी बात कंपनी का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि कंपनी का देखिए आप मतलब पीयूसी देखेंगे तो ओनली 2.29, अराउंड 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, ये अच्छी माना जाता है कोई भी कंपनी के लिए। तो 10 से नीचे है, मतलब लेस देन 10 है, तो वो और वो भी 3% भी नहीं है, तो इतना कम पी रेशियो में मतलब कंपनी कितना स्लो डाउन में चलते हैं आप खुद ही आपको पता चल गया, मतलब चल जाएगा। अभी मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो देखिए चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस था अराउंड 70 रुपीज, उसके बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते गए, कंपनी अराउंड अराउंड 270 रुपीज के आसपास गया था, उसके बाद देखिए लगातार गिरावट, और उसके बाद फिर से सस्टेन तो हुआ बहुत दिनों के बाद, उसके बाद फिर से गिरावट, फिर से कंपनी ने देखिए यही जो मतलब फिगर था, यही जो लेवल था, इस लेवल में ही राकेश जी ने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उसको पता था कि वो अगर इस कंपनी को अभी निवेश कर दे तो अच्छा खासा प्रॉफिट उसको मिलेगा। देखिए जो उन्होंने अराउंड अराउंड 40 to 50 रुपीज के आसपास उन्होंने निवेश किया था, जो कंपनी अराउंड अराउंड 140 रुपीज तक गया था, तो सोचिए उसका फंड कितना गुना हो गया होगा। तो इसीलिए उन्होंने अब स्टेक माल बेचना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से ये भी बताया है कि इंडिया में स्टील इंडस्ट्रीज आगे जरूर ग्रोथ करेगा, मगर अगर ग्लोबली मार्केट में अगर इम्पैक्ट देखने को मिला, जैसे देखिए आप रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है अभी भी, साथ ही साथ आप मतलब अमेरिकन बाजार में मतलब यूएस मार्केट में आपको इन्फ्लुएंस रेट अराउंड 9.10% से भी ज्यादा देखने को मिलेगा, इतना हाई इंटरेस्ट रेट के मतलब कारण मतलब कंपनी यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर है।
अगर यूएस मार्केट में प्रेशर है तो ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वीक पॉइंट जरूर दिखने को मिलेगा और कंपनी उतना ग्रोथ मूड में नहीं है, कंपनी उतना तेजी भी नहीं है। अगर आपको स्टील इंडस्ट्रीज में निवेश करना ही है तो आप ऑब्वियसली, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी आप स्टडी कर सकते हैं टाटा स्टील के ऊपर, आप स्टडी कर सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर, आप स्टडी कर सकते हैं जिंदल स्टील के ऊपर। इस तीनों कंपनी के ऊपर आप ऑब्वियसली स्टडी कर सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके इस तीनों कंपनी के ऊपर निवेश कर दीजिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।